देखो दरबार तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, और दरबार का नियम है, नियम का पालन करो और सुखी और स्वस्थ हो जाओगे। बाकी मैं दरबार के, आप लोग वीडियो भी कभी साथ नहीं देखते, दरबार के वीडियो देखोगे ना, मैं तो भेजी देखते हो ना, अगर दरबार की वीडियो देखते तो मुझे भरोसा दिलाना ही नहीं पड़ता। दरबार की अगर वीडियो देखते ना तो मुझे भरोसा, हाँ देखो जब इतनी बड़ी, देखो ये सब ना, इसको मैं एक्सक्यूज कह सकती हूँ कि बहाने हम कह सकते हैं, जब इतनी खराब कंडीशन है तो कोई गाड़ी वाड़ी करो, आप लड़की हो कि इतना घर संभालती हो कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं भी आपकी तरह एक टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था, ना भाई तेरा पिता थी, मैं अपनी अपनी मम्मी को बहन को लेके अकेले ही निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कल्याण उद्धार दरबार से होगा और कहीं से हो नहीं सकता, मैं अकेले पहुँच गई। तो आप ना हिम्मत मत हारो कि कोई साथ में नहीं है, आप लड़की आप सब कुछ कर सकती हो, और क्या करो कोई गाड़ी वाड़ी बुक करो, दरबार जाओ, दरबार में 10-15 दिन रहो, और वहाँ पे दरबार का जो नियम है, आप चाहो तो एक दिन में भी आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो, लेकिन उसका 1.5 लाख रुपया लगेगा। दरबार के 3 नियम हैं, एक है कि आप एक दिन में ठीक हो सकते हो, आपका सारा पूर्वज चले जाएंगे, आपके सारे भूतप्रेत चले जाएंगे, और धीरे धीरे सब चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएगी, लेकिन उसका 1.5 लाख रुपया लगता है। और एक नियम जिसके अंदर आपको पूरे कम से कम 12 से 15 दिन देना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें आपको 9 हवन करना पड़ेगा, काला जादू करता है, स्मृतियाँ करती हैं, उसके बाद आपका मारण तंत्र कटेगा, उसका एक अलग से हवन होता है, तो लगभग आपका खर्चा इसमें भी 60-70 मान ही लीजिए, 60-70-80 हज़ार तक आप मान लीजिए। तो और एक है नमन भी कर सकते हो, पूजा पाठ, लेकिन अभी क्या पूजा पाठ का समय आप लोग के पास है नहीं, क्योंकि आप लोग ने इतना ज़्यादा वो कर लिया है, मतलब पूरी तरह से हावी हो चुके हैं पूर्वज आप लोग के ऊपर, और पूरा शरीर पूरा खा रहे हैं, और खोखला कर भी दिया है। अगर अभी आप लोग सही समय पर डिसीजन नहीं लिए तो बाद में पछताना पड़ेगा, पैसा तो देखो यहाँ वहाँ खर्चा आप लोग कर ही रहे हो, डॉक्टर जितना मांग रहा है उतना आप लोग को देना पड़ रहा है, और वो गारंटी भी नहीं ले रहा है कि वो ठीक करेगा आपको, लेकिन दरबार में तो भाई आप लोग देखते हो लाखों लोग दरबार में आते हैं, अपना लाश लेके आते हैं, जिंदा उठा के लेके जाते हैं। आपने तो देखा होगा मेरी बहन का क्या हाल था, प्रमाण आप लोग के सामने है, तो लेट ना करो। आप लोग को तो 1 साल पहले से दरबार पता है, 1 साल में तो अब तक आप लोग कितना कुछ आप लोग का अच्छा हो जाता है, लेट आप लोग कर रहे हो। अभी भी समय है, जो होता है कर्म भोग के साथ भोगना रहा होगा, लेकिन अभी भी समय है, समय जल्दी जाके अपना सब करा लो, वहाँ पे रूम ले ले खरीद लेना, भाड़े वाड़े पे रूम ले लेना आसपास में कहीं भी देख के दरबार में, नहीं तो फिर रूम नहीं लोगे तो भी दरबार में कामाख्या हॉल बना हुआ है, जहाँ पे हम दरबार के द्वारा उसका कोई चार्ज नहीं है, हम आप फ्री में रह सकते हैं बस, और वहाँ पर दरबार में गुरुदेव भंडारा भी है, मतलब प्रतिदिन भंडारा होता है, तो खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, रहने की भी दिक्कत नहीं है, नहाने धोने की भी दिक्कत नहीं है, अपना बस दरबार का प्रक्रिया पूरा करो, कुछ दिन रहते हैं दरबार में, लेट मत करो, चले जाओ, ठीक है। अब बहाने मत बनाओ कि अकेले हो कैसे जाओ क्या करूँ, नहीं तो कुछ मतलब पछताना पड़ेगा कि एक अच्छी जगह थी, आखिरी जगह थी, वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया और सब खराब हो गया, ठीक है। तो आप चले जाओ कैसे भी करके, तत्काल टिकट निकालो चले जाओ, या फिर तत्काल टिकट में एसी के अंदर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें भी नहीं लेके जा पा रहे हो तो आप गाड़ी में लेके जाओ, अगर आप लोग को लगता है कि मैं जा ही नहीं पा रही वहाँ पे, तो आप क्या करो बाबा माता से प्रार्थना करो घर पे ही कि बाबा माता बहुत खराब मतलब बहुत खराब दिन चल रहे हैं, हम दरबार तक नहीं आ पाएंगे, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ऑनलाइन हवन किट घर पे मंगा लो, समझे, ऑनलाइन मंगा लो सारे 9 हवन 2 यंत्र घर पे ही मंगा लो, और घर पे ही बाबा माता का नाम लेके, और बाबा माता से कह दीजिए कि बाबा माता हमारे डीएनए के अंदर मैं रहूंगी, मेरे पिताजी रहेंगे, और भी बहन लोग हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी लोगों का जो अभी साथ में रह रहे हैं, तो इतने लोग का नाम लेके हवन शुरू कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे, देखना महीने भर के अंदर आप लोग बहुत, महीने भर में क्या हो तो आप लोग को 10 दिन 5 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन महीने भर में बहुत अच्छा
होगा, आप लोगों को दिखेगा भी। तो ये भी है, दरबार नहीं जा पा रहे हो ना तो हवन शुरू कर दो ऑनलाइन मंगा के। अगर अभी ऑनलाइन पे आप मंगाते हो तो कम से कम 5 दिन हफ्ता दिन लगता है घर तक कुरियर आने में। हाँ तो ऑर्डर कर दो कल हो सके तो। कैसे ऑर्डर कैसे करें? होता सब है यार। तो कहाँ पे करना है? हाँ जर्नी पे सब बताया, नंबर बताया। मैं ना आपको हाँ मैं नंबर भेज दूंगी, कुरियर नंबर भेज दूंगी दरबार का है, उस पर बोलना कि मुझे हवन किट चाहिए, 9 हवन किट चाहिए, 2 यंत्र चाहिए और मुझे बंधन भी चाहिए। ऐसे आप मैसेज कर दोगे ना तो वो पूरा अमाउंट बता देंगे आपको, उस पर व्हाट्सएप पे बात भी आपकी हो जाएगी कि इतना पैसा आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके जो ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा वो भी भेज देना कि हमें इतना पैसा भेज दिया है। तो वहाँ से कुरियर जब भेजेंगे तो वो जो क्या कहते हैं जो स्लिप होता है ना, तो वो आप लोग भेज देंगे और 2-4 दिन के अंदर घर पे आ जाएगा बिना कोई मशक्कत की। जाना भी नहीं पड़ेगा दरबार, फिर दरबार तो जाना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन पूरा हवन करने के बाद तब तक बहुत कुछ आराम हो जाएगा। अब आपका पितर मुक्ति के लिए अमावस्या में दरबार जाना रहेगा, काला जादू कटाने के लिए, स्मृतियाँ कटाने के लिए, और एक और हवन होता है मारण, जिसके अंदर मतलब वो भी एक मारण तंत्र होता है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। जैसे कि अभी आपके पापा का है, हाल कैसे खराब चल रहा है, कंडीशन बहुत खराब चल रही है, तो किसी ने मारण तंत्र किया हुआ है तो धीरे धीरे खत्म हो जाए ऐसे करके, तो वो भी तंत्र करता है। लेकिन उसका वो सब प्रक्रिया पूरा होने के बाद लास्ट स्टेज है। अभी जैसे कि हम लोग दरबार से जुड़े हम लोग को 2.5 साल हो गए, लेकिन मारण शक्ति अभी पिछले 2-3 महीना पहले खुली, तो अब जाके हमारा मारण कटा है। लेकिन ये है कि गुरुदेव की कृपा थी हमारे ऊपर कि हम अच्छे थे, लेकिन शक्ति खुली तुरंत हमने किया, हमारा सबका मारण कटा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देखो मैं आपको समझाऊंगी ना तो समझाते रहूंगी, आप सुनते रहोगे। बस मैं यही कहूंगी कि ज़्यादा सोच विचार मत करो, अपना दरबार के नियम का जितना जल्दी हो सके पालन करो और स्वस्थ होखो, एकदम अच्छे हो जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। अगर अभी भी अगर समय है आप लोग कर लेते हो तो एड्रेस आप एड्रेस तो मैं आपको पूरा भेज दूंगी। आप ना कानपुर सेंट्रल स्टेशन है वहां पे पहुंच जाना है, वहां पे पहुंचने के बाद आप किसी से भी करौली सरकार बोलोगी ना रिक्शे वाले को कि हमें करौली सरकार जाना है, 18 किलोमीटर दूर है, वो छोड़ देगा। जानते बहुत अपना दरबार सबको पता है, जबकि बहुत अंदर है। बाकी एड्रेस मैं भेज ही दूंगी आपको, ऐसा चीज एकदम अंदर ही रहता है। हाँ। चाहे मंदिर हो मंदिर देखो बहुत खाली जगह पूरा खलियाल खलियाल खलियाल। हाँ नंबर भेज देती हूँ, बात कर लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो ये मत सोचना कि ऑनलाइन पे ट्रांसफर कर दूंगी तो हवन किट आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ आता है। उसका आप टेंशन मत लेना। दरबार देखो मैं तो जाती आती रहती हूँ, कभी अगर वापस में जाने वाली हूँ 16 तारीख को तो ऐसा कुछ होता है तो वहाँ से डायरेक्ट मैं भी आप लोग को चेक कर सकती हूँ, कुरियर वहाँ से कुरियर वाले को बोल दूंगी, लेकिन वो काफी लेट हो जाएगा। आप अभी मंगाना शुरू करो। हाँ मेरा तो कन्फर्म हो जाता है जाने आने का दोनों। हाँ कोई बात नहीं, मेरा एसी का है निकल चुका है, लेकिन आप उसी दिन तत्काल का निकाल लेना, शायद मेरा ना आगे पीछे भी हो सकता है। अब वो ट्रेन जो सुबह आती है ना 7:20 की सिर्फ वो चलती है, बुधवार के दिन चलती है, शुक्रवार के दिन चलती है, हफ्ते में एक दिन। हाँ वापिस है, लेकिन ना चेंज भी हो सकता है, मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरे साथ में 2-4 परिवार और जाने के लिए कह रहा है, उमर गांव से ही 2-3 परिवार और है, तो कह रहा है कि आप ही के साथ चले चलेंगे। मैं बोली ठीक है चले चलो, तो शायद ही मेरा कैंसिल करा के 18 तारीख का भी हो सकता है। ठीक है हाँ, और लेट मत करो, अगर हवन घर पर मंगा के कर सकते हो तो कर, यहाँ पे कुछ हवन कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो उतना दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 10-15 दिन, उतने में तो कितना खा जाते हैं ये जो आप जानते नहीं भूत प्रेत पूर्वजों को, पूरा
खोखला कर देते शरीर को, कहे का नहीं छोड़ते, कब क्या कर दे पता नहीं चलता है। लेकिन बाबा माता का ना स्मरण करते रहना, याद करते रहना, दरबार का बाबा माता का फोटो निकाल लेना और बाबा माता को बोलना कि बाबा माता हम दरबार आना चाहते हैं, अपनी कृपा बनाए रखिएगा, कुछ भी ऐसा ना हो कि हम पूरा हवन करेंगे। और ऐसे करके प्रार्थना हमेशा कर देना सुबह शाम बाबा माता से, तो वो अच्छे रहेंगे। और हाँ, अभी से अपने घर पे मांस मच्छी छोड़ देना पूरी तरह से, आजीवन के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर दरबार से जुड़ रहे हो तो आपको मांस मच्छी आजीवन के लिए छोड़ना पड़ेगा। और किसी ओझा सोखा दरगाह पीर फकीर मजार दरगाह कहीं भी आपको जाना नहीं दिखाने के लिए। दवा खाना अलग बात है, डॉक्टरी अलग बात है, लेकिन किसी उल्ले मुल्ले के पास या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे जाओगे तो फिर दरबार का कोई भी किया कराया आपको फलित नहीं होगा। दरबार पहले से ये नियम है कि अगर आपको दरबार जुड़ना है तो पूरी तरीके से आपको सात्विक होना पड़ेगा, बाकी सब धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा सनातन धर्म है, शास्त्र के अनुसार वैदिक परंपरा से हमारे दरबार में पूजा ठीक है। अच्छा, वो एक महंगा वाला आता है, तो ये सब चीज का ध्यान रखना। और हम दरबार की थोड़ी भभूति में आपको भिजवा दूंगी, तो वो ना पानी और खाने में डाल डाल खिलाते रहना, थोड़ा सा आराम से उनको हो जाएगा। तुम्हारी कपड़ा पहनिए ठीक है, और कोई भी पूछना लगा तो फोन कर लेना। ओके, जय बाबा। गणपति रखे हैं, कहाँ आ पाएगी? समझा आ